हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं MP3 प्लेयर, एकदम पावरफुल MP3 प्लेयर बनाने वाले हैं गाइस व्हीकल के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या सामान लिया है मैं आपको पहले बता देता हूँ गाइस। यहाँ पे गाइस मैं 12 वोल्ट जो सप्लाई के लिए गाइस यहाँ पे सॉकेट लेने वाला हूँ यहाँ पे इस तरीके से। और गाइस यहाँ पे मैं 3 वॉल्यूम लेने वाला हूँ गाइस, यहाँ पे बेस ट्रेबल और जो मेन वॉल्यूम है उसके लिए। अगर गाइस आपके पास अगर 3 वॉल्यूम अगर 100 के है तो गाइस 100 के यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो गाइज़ मेरे पास यहाँ पे 100 के का यूज़ है, ये मास्टर वॉल्यूम यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे मैं। और गाइज़ यहाँ पे जो है 50 के की ये बेस ट्रेबल के वास्ते यूज़ करने वाला हूँ गाइज़, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पास 3 वॉल्यूम है गाइज़। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड लिया है गाइज़ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे 4440 का बोर्ड लिया है गाइज़ यहाँ पे। तो गाइज़ ये जो बोर्ड है गाइज़ यहाँ पे 5 एम्पियर तक करंट यहाँ पे झेल सकता है गाइज़ यहाँ पे, और 5 एम्पियर तक यहाँ पे करंट देने पर भी ये प्रॉब्लम नहीं आता है गाइज़ इस IC में या इस बोर्ड में गाइज़। तो ये बोर्ड एकदम अच्छा है गाइज़, ठीक है व्हीकल्स के लिए। और गाइज यहाँ पे लिया है गाइज यहाँ पे मॉड्यूल, ये मॉड्यूल लिया है MP3 प्लेयर का मॉड्यूल, ठीक है। और इस तरीके से गाइज हमारे पास यहाँ पे एक छोटा कैबिनेट है, तो ये कुछ स्क्रू है और ये वैल्यू में गाइज। तो सबसे पहले गाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस बोर्ड में वायरिंग करने वाला है, क्योंकि गाइज यहाँ पे कुछ भी वायरिंग नहीं है गाइज, ठीक है। तो सबसे पहले वायरिंग से स्टार्ट करेंगे। तो वायरिंग एकदम ईजी है गाइज यहाँ पे करने के लिए गाइज। तो गाइज वायरिंग करने के लिए गाइज यहाँ पे हम तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे सबसे पहले गाइज हम स्पीकर के वायर लगाएंगे। तो स्पीकर के वायर लगाने के लिए गाइज यहाँ पे जो है 3 और 5 नंबर पे स्पीकर का वायर रहता है गाइज यहाँ पे IC पे। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से गिनना है यहाँ पे। तो मैं इस तरीके से रख देता हूँ, और यहाँ पे देखिए गाइज 1 2 3, यहाँ 3 नंबर पे एक लह रहेगा गाइज और एक 5 नंबर पे रहने वाला है। तो देखिए गाइज यहाँ पे हमें लगाना है गाइज 3 और 5 नंबर पे। तो यहाँ पे गाइज यहाँ पे हमारा 3 नंबर पे लगने वाला है और यहाँ पे 5 नंबर पे लगने वाला है, और ये सेकंड साइड भी उसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 3 नंबर पे लगेगा और ये 5 नंबर पे गाइस। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे जो है हमारे जो है स्पीकर के वायर लग चुके हैं, ठीक है। अभी गाइस हमें इसमें लगाना है गाइस यहाँ पे वॉल्यूम के वायर। वॉल्यूम लगाने के लिए गाइस सबसे पहले यहाँ पे सर्किट बोर्ड पे कौन सा वायर है वो डिटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 13 नंबर पे रहने वाला है, 13 नंबर पे यहाँ पे जो है वॉल्यूम का वायर रहने वाला है, जो मिडल का वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस इधर जो गाइज यहाँ पे एक फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है 4.7 50 वोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर पे एक रहेगा, और उसी तरीके से यहाँ पे भी उसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम का बीच का वायर रहने वाला है यहाँ पे 2 नंबर का वायर। तो जैसे कि गाइज इस वॉल्यूम है, तो ये 1 2 3 इस तरीके से गिनेंगे। और गाइज ये जो 3 नंबर की वायर है गाइज यहाँ ये रहेगा गाइज ग्राउंड पे, और गाइज जो मिडल का वायर रहने वाला है गाइज उस IC पे रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने मिडल का निकाल देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो अलग अलग लगा के बताता हूँ यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे मैं ग्राउंड लगा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो ये पूरा एक ग्राउंड है गाइज यहाँ पे। और ये रहेगा गाइज मिडल वायर, ठीक है। और दूसरे दूसरे साइड का यहाँ पे गाइज ये 3 नंबर और 2 नंबर लगाना है हमें। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे जो है हमारा मास्टर वैल्यू में गाइज। और गाइज अभी यहाँ पे जो है जो 1 नंबर के पिन है गाइज लेफ्ट और राइट के लिए, तो ये जो है गाइज यहाँ पे लगाना है। तो जैसे कि गाइज यहाँ पे प्री एम्पलीफायर है बेस ट्रेबल के लिए, तो गाइज यहाँ पे जो है इनपुट ऑडियो जाएगा और यहाँ पे बेस ट्रेबल यहाँ से आउटपुट आएगा गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो है यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस लगे हुए, यहाँ पे 2 वायर जो है 2 पिन है गाइज यहाँ पे खुले हुए, तो यहाँ पे हम लगा देंगे। तो देखिए गाइज यहाँ पे जो है हमारे जो है वॉल्यूम लग चुका है इस तरीके से, ठीक है। तो गाइज अभी लगाना है गाइज यहाँ पे बेस ट्रेबल के वायर। तो यहाँ पे मैं एक वॉल्यूम ले लेता हूँ यहाँ इस तरीके से, और गाइज यहाँ पे वॉल्यूम को उल्टा लगा देता हूँ।
तो यहाँ पे हो चुका है गाइज, यहाँ पे इस तरीके से। और गाइज यहाँ पे जो है सेकंड वाला है लेंगे, तो ये तीन वायर लग चुके हैं गाइज, ये तीन वायर बेस के हैं। और इस तरीके से यहाँ पे बेस ट्रेबल इस तरीके से देखना है, यहाँ पे भी तीन वायर का पेयर है गाइज यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से गाइज यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम लग चुका है। अभी गाइज दूसरा वॉल्यूम लगाएंगे, उसी तरीके से इसे भी लगाना है गाइज। तो यहाँ पे भी मैं इस तरीके से लगा दूंगा। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे जो है हमारे जो है वॉल्यूम लग चुके हैं बेस ट्रेबल के लिए, और यहाँ पे जो है मास्टर भी लग चुका है। अभी गाइज क्या करना है गाइज, यहाँ पे जो है ऑडियो इनपुट देना है। ऑडियो इनपुट के लिए गाइज यहाँ पे जो है हमारे पास इस तरीके से पिन आने वाली है मॉड्यूल की। मॉड्यूल में गाइज यहाँ पे तीन वायर होते हैं गाइज, तीन वायर के जो बीच का वायर होता है गाइज ये ग्राउंड का होता है। तो ये इस तरीके से ये ग्राउंड का ले लूँगा मैं बाहर, ठीक है। और ये जो है गाइज लेफ्ट और राइट के लिए, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कैपेसिटर है गाइज यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा लेफ्ट और राइट, और उससे गाइज यहाँ पे जो मिडल का वायर है गाइज ये ग्राउंड को लगाएंगे। तो ग्राउंड एकदम सबका एक ही है गाइज यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं ग्राउंड। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे जो है हमारे जो है इनपुट ऑडियो के यहाँ पे लग चुके हैं। तो गाइज यहाँ पे पावर लगाने के लिए गाइज यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर दिया गया है, रेगुलेटर ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो जैसे कि गाइज यहाँ पे रेगुलेटर दिया गया है, यहाँ पे जो देख रहे हैं गाइज यहाँ पे 7805 लिखा हुआ है। तो गाइज ये 7805 जो 5 के नीचे का जो 3 नंबर की पिन है गाइज उसे रहता है गाइज यहाँ पे पॉजिटिव वायर। तो यहाँ पे देखने पर पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव वायर है। तो यहाँ पे जो है 2 नंबर का पॉजिटिव वायर है, तो ये है गाइज, इसको गेट लगाया है गाइज यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव वायर है, ये पॉजिटिव वायर उसे लगाना है जो 3 नंबर की पिन है जो रेगुलेटर में। तो देखिए यहाँ पे जो है रेगुलेटर का वायर है, यहाँ पे लगाऊंगा। और एक गाइस यहाँ पे जो रहता है गाइस ग्राउंड के लिए होता है, तो वही ट्रांजिस्टर के जो मिडल का जो 2 नंबर का पिन है वहाँ पे भी लगा सकते हैं, और ये किधर भी एक ग्राउंड को लगा सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं ग्राउंड को लगाऊंगा यहाँ पे। तो गाइस मैं ग्राउंड लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो गाइज यहाँ पे जो है 5 वोल्ट यहाँ से आएगा, मॉड्यूल के लिए सप्लाई आ जाएगी गाइज, ठीक है, इस तरीके से। और गाइज यहाँ पे जो है इसकी वायरिंग लगभग पूरी हो चुकी है गाइज, यहाँ पे ये स्पीकर हो चुके हुए और ये वॉल्यूम हो चुके हैं और मॉड्यूल के पावर के वायर। अभी गाइज यहाँ पे जो मेन पावर लगाना है, मेन पावर लगाने के लिए गाइज यहाँ पे मेरे पास ये सॉकेट है गाइज, तो ये सॉकेट पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से यहाँ पे वायर निकाल चुका हूँ। तो यहाँ पे जो डायोड दिया गया है, यहाँ पे जो डायोड दिया गया है गाइज यहाँ पे, तो इसका जो काला वाला है काले वाले पे लगाना है गाइज यहाँ पे पॉजिटिव। और ये रहेगा गाइज यहाँ पे नेगेटिव। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे जो है हमारे कंप्लीट हो चुका है वायर। अभी गाइज इसे सीधा कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और गाइज यहाँ पे मैं स्पीकर लगाता हूँ। अभी इसे चेक कर लूँगा, चेक कर लेके गाइज इसमें असेंबली करूँगा गाइज। तो क्योंकि गाइज यहाँ पे जो है वॉल्यूम उल्टे सीधे रहे तो हम सीधे कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से रख देता हूँ। अभी गाइज ये मॉड्यूल लगाने से पहले गाइज यहाँ पे हम पावर देखेंगे, तो इसके लिए गाइज यहाँ पे मैं बैटरी लगाऊंगा, इसको पावर दूंगा सर्किट बोर्ड को, ठीक है। पावर लग चुका है यहाँ पे, और गाइज यहाँ पे मैं मल्टीमीटर से यहाँ पे चेक करूंगा। तो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, मेरे राइट वाला पॉजिटिव है, तो ये साइड वाला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव देख के हम लगाएंगे।
तो ठीक है, ये ऑन हो चुका है। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे हम ऑडियो लगाएंगे। ऑडियो के लिए यहाँ पे पिन है, 1 मिनट, वॉल्यूम फुल है। ठीक है, तो यहाँ पे लग चुका है इस तरीके से। अब इसमें गाइस पेन ड्राइव लगा के मैं ऑडियो चेक कर लेता हूँ किस तरीके से यहाँ पे बेस ट्रेबल ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ इस तरीके से। Play by USB drive. तो यहाँ पे वॉल्यूम किस तरीके से चल रहा है वो भी देखेंगे। तो जैसे कि गाइस वॉल्यूम उल्टा चल रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो लास्ट के वायर है वो चेंज कर लूँगा। तो यहाँ से चेंज कर लूँगा, यहाँ से भी जाएगा। तो यहाँ पे गाइस हमारे जो है ट्रेबल का वायर अच्छा हो चुका है। यहाँ पे देखिए इस पे ट्रेबल बज रहा है। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे बेस देखेंगे। तो जैसे कि गाइस उल्टा फिर आने पर चल रहा है, तो उसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए गाइस यहाँ पे जो है हमारा जो ये जो बेस का वायर है, तो बेस का वैल्यूम है वो भी ठीक हो चुका है। कम करने पर कम हो रहा है, ज़्यादा होने पर ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से वायरिंग हो चुकी है। तो अभी गाइस इसको पैक करेंगे हम। इसे मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे जो है हमारी जो वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो MP3 प्लेयर बन चुका है यहाँ पे इस तरीके से। और गाइज यहाँ पे जो है वायर भी हमने कुछ इस तरीके से लगाया है यहाँ पे। और गाइज इसे बनाने के बाद गाइज इसे ध्यान देना है गाइज, यहाँ पे जो स्पीकर के वायर है गाइज यहाँ पे ग्राउंड को टच होना नहीं चाहिए। अगर एक भी वायर अगर टच होता है, तो उस जो IC की साइड का जो वायर टच हुआ वो साइड गाइज IC जल जाएगी गाइज। ठीक है, तो इस तरीके से वो प्रॉब्लम होता है गाइज। तो इस तरीके से गाइज मैंने ज्वाइंट करने के लिए मैं आगे पीछे से इस तरीके से यहाँ पे मैंने यहाँ पे कट लगाया है गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे मैं स्पीकर लगा देता हूँ और इसे चेक करके मैं आपको बता देता हूँ गाइस किस तरीके से बना हुआ है। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे हमारा MP3 प्लेयर बन चुका है गाइस यहाँ पे। और गाइस जैसे कि गाइस यहाँ पे स्विच लगाना था गाइस यहाँ पे, तो यहाँ पे स्विच था गाइस। यहाँ पे मैंने क्या किया गाइस, यहाँ पे एक वायर यहाँ पे पॉजिटिव लिया है गाइस, इस स्विच पे लगाया है। और गाइस जहाँ से आने वाला पॉजिटिव का वायर गाइस, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे दो वायर स्विच को लगाया गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे जो है हमारा स्विच रेडी हो चुका है। अभी गाइस मैं प्ले करके बताता हूँ गाने किस तरीके से चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से प्ले कर देता हूँ और यहाँ पे पावर ऑन। तो देखिए पावर ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से गाइज हम MP3 प्लेयर बना सकते हैं गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइज। थैंक यू गाइज़।